हेलो एवरी वन होप यू एल आर डूइंग वेरी वेरी गुड वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइव फैक्टर मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग फाइव सो लेट स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है सो पर्सनैलिटी इज़ वट वी आर हम जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी है हम चीज़ों को किस तरीके से परसीव करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है पर्सनालिटी जो है वो हमारे ट्रेड्स पे डिपेंड करती है जो हमारे ट्रेड्स हैं वो हमारे जेनेटिक भी होते हैं और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटेलिजेंस जीन्स में मिली है एंड आपका एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर सको सो so, आपकी जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा यानी कि वो छिप जाएगी इंटेलिजेंस कहीं पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो सो दिस इज़ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस अपऑन ट्रेड ओके चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन पूछा लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ हमने पर्सन ए से भी यही क्वेश्चन पूछा एंड पर्सन बी से भी हमने यही क्वेश्चन पूछा सो पर्सन ए का आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ में डिफरेंट होगा एंड पर्सन बी का आंसर डिफरेंट होगा वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों उस क्वेश्चन को यानी कि उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं और उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर हमारा कंक्लूजन ये है कि कोई भी दो तो पर्सन जो होते हैं वो उनमें क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाई करते हैं इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस लाई करते हैं जिनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं सो so, बहुत सारी रिसर्चेज हुई तो जिसमें रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो ट्रेड्स की वजह से होते हैं सो so, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट करना शुरू किया कि कोई एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल्स के जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट या वो डिटरमिन हम कर सकें सो so, बहुत सारे रिसर्च हुई इससे पहले ट्रेड अप्रोच में कैटल ने पर्सनालिटी के 16 फैक्टर्स डिफाइन किए थे जिनके बेसिस पे हम पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटरमिन करते थे बट फाइव फैक्टर मॉडल में क्या हुआ है उन सिक्सटीन फैक्टर्स को भी कट शॉर्ट करके फाइव फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है सो so, जो फाइव फैक्टर मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है इसमें पर्सनालिटी के फाइव फैक्टर्स का मेंशन किया गया है और इसे ओशन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है या फिर इसका एक और एक्रोनिम है दैट इज़ के ठीक है जो कि हर एक डायमेंशन के फर्स्ट इनिशियल्स लिए गए हैं इसमें जो फाइव डायमेंशन हैं वो कौन से हैं फर्स्ट इज ओपननेस कौनसाइटियसनेस एक्स्ट्रा वर्जन एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म ठीक है इसमें जो डिफरेंट डायमेंशनस हैं वो, वो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू हमें डिफाइन किए गए हैं और जो पर्सन है वो स्पेक्ट्रम में कहीं भी लाई कर सकता है अर्लियर जो हमने ट्रेट अप्रोचेस पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि जो पर्सन है उनको दो ही फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता था अगर हम वर्जन की यहाँ बात कर रहे हैं तो अर्लियर क्या होता था उनको दो पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता था जैसे कि एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट बट ये जो बिग फाइव फैक्टर मॉडल है इसमें बोला गया है कि जो पर्सन है वो स्पेक्ट्रम में कहीं भी लाई कर सकता है यानी कि ना तो वो पूरा एक्स्ट्रोवर्ट है ना वो पूरा इंट्रोवर्ट है फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्सन जो कि टॉकेटिव भी हो सकता है एंड एजर्टिव भी हो सकता है सेम टाइम पे ठीक है so, सो जो बिग फाइव फैक्टर मॉडल है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता वो पर्सन कहीं भी इन बिटवीन स्पेक्ट्रम में लाई करता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन टॉकेटिव भी हो सकता है एंड रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं सो इट वॉज रिसर्च बाई गोल्ड वर्ग इन नाइनटीन एटी वन बहुत सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया और बिग फाइव मॉडल बनाया ठीक है बट जो गोल्डबर्ग हैं वो इसको एक हाईएस्ट लेवल तक लेकर गए तो गोल्डबर्ग ने एक मॉडल प्रिपेयर किया जिससे कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सके तो इस मॉडल में उन्होंने फाइव मेजर फैक्टर्स को डिफाइन किया और हर एक जो मेजर फैक्टर है उसमें नंबर ऑफ क्या है स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं उन्होंने क्या किया एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जिसका नाम था बाइपोलर ट्रांसपेरेंसी इन्वेंट्री ठीक है और इस क्वेश्चनर में जो स्कोर ऑप्टेन होता था उसके बेसिस पे पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमिन किया जाता था उनके इस काम को आगे बढ़ाया मैक्रे एंड कोस्टा ने उन्होंने भी एक क्वेश्चनर डेवलप किया जिसका नाम था एन ई ओ पी आई आर इसमें जो एन ई ओ है वो नैलिटी डायमेंशन के इनिशियल्स हैं अर्लियर उन्होंने तीन डायमेंशंस को इंक्लूड किया था बाद में उन्होंने दो और डायमेंशंस को इंक्लूड किया दैट इज़ ए एंड सी क्वेश्चनर उन्होंने बनाया था उसमें फाइव फैक्टर्स थे और हर फैक्टर में सिक्स सेक्शंस थे और हर सेक्शन में क्या थी एट आइटम्स थी सो so, टोटल कितनी आइटम्स हो गई थी यहाँ पर टू फोर्टी आइटम्स जिनके बेसिस पे पर्सनालिटी को डिटरमिन किया जाता था इस क्वेश्चनर में जो भी स्कोर पर्सन अचीव करता था उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमिन किया जाता था तो बिग फाइव में जो फाइव डिफरेंट डायमेंशनस हैं पर्सनैलिटी के वो हैं एक्स्ट्रावर्जन एग्रीएबलनेस कॉन्साइटियसनेस ओपननेस एंड न्यूरोटिसिज्म सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डायमेंशन दैट इज ओपन स सो फर्स्ट डायमेंशन है हमारा ओपननेस सो so ये वाला जो डायमेंशन है वो डिटरमिन करता है कि जो पर्सन है वो कितना विलिंग है न्यू चीज़ों को ट्राई करने के लिए पर्सन की एबिलिटी चेंज में एडजस्ट होने के लिए वो पर्सन कितना फ्लेक्सिबल है इस डायमेंशन से डिटरमिन कर सकते हैं अगर इस डायमेंशन में पर्सन का स्कोर हाई रहता है तो पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो सिंपैथेटिक कोऑपरेटिव और वो पर्सन बहुत वार्म होगा यानी कि वो हर किसी को फ्रेंडली टर्म्स में मिलेगा एंड अगर इसी डायमेंशन में पर्सन लो स्कोर करता है तो उसकी पर्सनालिटी अनफ्रेंडली और वो पर्सन अग्रेसिव होगा आर्ग्यूमेंटेटिव होगा एंड होस्टाइल मतलब उसके मन में काफ़ी रिजेंटमेंट रहेगी जो पर्सन इसमें हाई स्कोर करते हैं ओपननेस में वो पर्सन हमेशा वो हर सिचुएशन में ईजिली क्या हो जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट डायमेंशन है कॉन्साइटियस सो so, ये जो है पर्सन के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिटरमिन करता है ये ट्रेड डिटरमिन करता है कि पर्सन अपनी इम्पल्स को किस तरीके से कंट्रोल करता है या वो अपने बिहेवियर में किस तरीके के चेंजेस लाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। सो so, इस डायमेंशन में अगर पर्सन हाई स्कोर करता है तो वो ऑर्गेनाइज होता है हार्ड वर्किंग होता है रिलायबल होता है डिपेंडेंट होता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर इसमें पर्सन लो स्कोर करता है तो वो इम्पल्सिव होता है इ होता है लेजी होगा डिसऑर्गेनाइज होगा एंड निग्लीजियंट होगा किसी भी पर्सन की जो कॉन्साइटियसनेस का डायमेंशन है वो डिटरमिन करता है कि उसकी कॉन्शियस कितनी अलर्ट है ओके फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आइसक्रीम पड़ी है ठीक है तो हमारा मन करता है कि हम उसे उठा के खा लें बट हमारी कॉन्शियस हमें अंदर से आवाज़ देती है कि नो इट इज़ नॉट हेल्दी ओके कॉन्साइटियसनेस का डायमेंशन है वो पर्सन को उसकी मोरालिटी की तरफ लेकर जाता है नेक्स्ट डायमेंशन इज़ एक्स्ट्रावर्जन और ये फैक्टर जो है इंडिविजुअल के सोशल रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करता है कि उसके जो एनवायरमेंट में उसका रिलेशन किस तरीके से है वो अपने एनवायरमेंट में कितना कंफर्टेबल रहता है या कितना कॉन्फिडेंट रहता है अपने एनवायरनमेंट में सो एक्स्ट्रा वर्जन डायमेंशन में जो हाई स्कोर करता है वो पर्सन सोशलेबल होता है टॉकेटिव होता है फन लविंग होता है अफेक्शनेट होता है एंड ऑप्टिमिस्टिक होता है एंड जो लो स्कोर करते हैं वो रिजर्वड होते हैं आइसोलेटेड होते हैं सोबर होते हैं क्वाइट होते हैं एंड गोल ओरियनटेड भी होते हैं सो नेक्स्ट डायमेंशन इज़ एग्रीएबलनेस सो so, ये वाला जो फैक्टर है ये डिटरमिन करता है कि रिलेशनशिप में लोग हमें किस तरीके से ट्रीट करते हैं या हम उनके ट्रीटमेंट को किस तरीके से परसीव करते हैं इट फोकसेस ऑन पीपल्स इंटरेक्शन विद अदर कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं ठीक है क्या उनके ट्रीटमेंट को हम नेगेटिव ले रहे हैं या फिर उनके ट्रीटमेंट को हम पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं एग्रीएबलनेस में अगर हाई स्कोर करता है पर्सन तो वो सॉफ्ट हार्टेड होता है गुड नेचर्ड होता है ट्रस्ट वर्दी होता है हेल्पफुल होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एंड फॉरगिविंग होता है और अगर लो स्कोर करता है तो वो पर्सन साइनिकल सस्पिशियस वेंचफुल होता है इरिटेबल होता है एंड मैनिपुलेटिव होता है नेक्स्ट डायमेंशन इज न्यूरोटिसिज्म है ये डायमेंशन डिटरमिन करता है कि हम नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से परसीव करते हैं ये हमारी ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी को डिटरमिन करता है सो so, इसमें जो हाई स्कोर करता है पर्सन वो इमोशनली अनस्टेबल रहता है मूडी होता है इरिटेबल होता है एंड इनसिक्योर होता है और जो लो स्कोर करता है न्यूरोटिसिज्म में वो काम होता है रिलैक्स्ड होता है अनइमोशनल होता है एंड वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है अब आगे बिग फाइव में क्या बोला गया है कि जो बिग फाइव डायमेंशंस हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द लाइफ में सेम रहते हैं बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं ऑलमोस्ट सेम रहते हैं बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं फ्रॉम चाइल्ड हुड टू अडल्टुड जैसे कि द एग्रीएबलनेस एंड द कॉन्साइटियसनेस इंक्रीजेज एज वी ग्रो ओल्ड कॉन्साइटियसनेस यानी कि हमारी कॉन्शियस जो है वो कितनी डेवलप होती है सो so, जैसे जैसे हम मच्योर होते हैं जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं या हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो एग्रीएबलनेस का डायमेंशन है या फिर कॉन्साइटियसनेस का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है इट मीन्स जो पर्सन है वो बाय एज कोऑपरेटिव हो जाता है रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अगर हम कॉन्साइटियसनेस की बात करें तो पर्सन जो है बाय एज मोरालिटी की तरफ बढ़ता जाता है एंड अगर हम एक्स्ट्रा वर्जन डायमेंशन की बात करें तो ग्रिगेरियसनेस जो होती है यानी कि लोगों से मिलना जुलना वो डिक्रीज हो जाता है एंड अजर्टिवनेस यानी कि कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज हो जाता है ओपननेस इंक्रीजेस एंड न्यूरोटिसिज्म डिक्रीजेस ओपननेस मींस वी बिकेम फ्लेक्सिबल एज वी ग्रो अर्लियर हम नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे बट जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं तो हम नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एंड एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या करते हैं अपनी रखते हैं फ्यूचर की तरफ सो दिस इज़ इट फॉर फाइव फैक्टर मॉडल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आई होप ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड अगर ये आपको अच्छे से समझ आई है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो